सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत ब्लॉग। आज हमारे सामने खड़ी हुई है दो पॉपुलर ब्यूटीफुल बाइक्स जो अपने सेगमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा बेची जाती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इनको खरीदना कंसीडर करते हैं। नंबर वन इज़ KTM ड्यूक 390 एंड नंबर टू इज़ अपाचे RR 310। इंडियन ब्रांड, लोगों की फेवरेट बाइक, हमें भी काफ़ी पसंद आ गई है, हमने इसको काफ़ी कुछ चला भी लिया है। लास्ट वीडियो में काफ़ी लोग कह रहे भाई आप होंडा 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 किसकी बात कर रहे हो, भाई मैं CB 300R की बात कर रहा था। और मतलब कुछ लोग ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं कि भाई आप इस बाइक में ज़्यादा ही कमियां बता रहे हो। भाई जो सच है वो सुनने की हिम्मत होनी चाहिए, फैक्ट बात ये है। ड्यूक के अंदर जो कमियां हैं वो भी चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, जो अच्छे हैं वो भी चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, और उसमें जो है वो भी चिल्ला चिल्ला के बताते हैं। सुनना ना सुनना भाई आपके ऊपर है। खैर इस बात को छोड़ो, अपन बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। लेफ्ट साइड में मैंने खड़ी कर रखी है अपनी KTM ड्यूक 390, राइट साइड में खड़ी कर रखी है अपाचे RR 310। सबसे पहले अगर देखा जाए तो वो एक नेकेड बाइक है, ये एक फेयर्ड बाइक है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे थोड़ा अनफेयर कंपैरिजन, अगर करना है तो उसको RC 390 के साथ करो, उसके साथ भी करेंगे, बट इस बाइक के साथ भी फेयर कंपैरिजन है, क्योंकि इसके पास इंजन बड़ा है, पावर ज़्यादा है, बट इसके पास इंजन छोटा है तो फेयरिंग है, तो उसका कहीं ना कहीं USP मिलता ही है। आज इस वीडियो के अंदर लगभग 5 से 6 पॉइंट रखने वाले, 5 से 6 पॉइंट इस बाइक के फेवर में, 5 से 6 पॉइंट इस बाइक के फेवर में। तो सबसे पहली बात करते हैं ओवरऑल लुक्स के बारे में दोनों ही बाइक्स के। तो लुक्स के मामले में अगर मैं बात करूँ तो एक नेकेड बाइक होने के बावजूद इस बाइक को अगर कहीं रोड पे खड़ी कर दो या अगर इस बाइक को कोई देखे ना तो ये रिएक्शन होते हैं कि यार क्या ये 400cc की बाइक है, इतनी पतली है, इतनी स्लीक है। और जब हम बोलते हैं कि ये बहुत पेट्रोल पीती है तो सब कहते हैं नहीं यार लगता नहीं है ये इतना पेट्रोल पीती होगी। तो वो एक चीज़ नेकेड बाइक होने की वजह से इस बाइक को डाउनसाइड मिलती है, स्पेशली अपने लुक्स में, या फिर आप लोग कह सकते हो कि दिखने दिखाने में, रोड प्रेजेंस में ये बाइक इतनी तगड़ी नहीं लगती जितनी वो लगती है। तो इसका तो सीधा सीधा मतलब पॉइंट इस बाइक को चला जाता है कि अपाचे RR 310 लुक वाइज बहुत अच्छी लगती है, बिग बाइक वाली फील देती है, खड़ी हुई अच्छी नज़र आती है, आगे पीछे साइड ऊपर नीचे कहीं से भी देख लो। लुक्स डिज़ाइन के मामले में इस बाइक में कोई कमी नहीं है, 10/10 लगती है। तो लुक्स के मामले में तो मैं इसको फुल मार्क्स दूंगा, उसको लुक्स के मामले में बोला जाएगा। नेकेड होने की वजह से एज सच इतनी ज़्यादा मतलब हाईलाइट नहीं होती है, निकलकर सामने नहीं आती है, वो चीज इसमें खूब ज्यादा भर भर गया है। तो पहली चीज अपना लुक्स अगर प्रायोरिटी आपके लिए बाइक लेने के लिए, आपके लिए हर किसी के लिए होती है, तो पॉइंट जाएगा अपाचे RR 310 को, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड चीज की बात करते हैं हम इंजन। इंजन के मामले में अगर बात करी जाए तो KTM इसके अंदर आप लोगों को 390cc का इंजन ऑफर करता है, लगभग वही 373 point something cc का एक्यूरेट फिगर। एंड पावर टॉर्क की बात करी जाए तो दिस बाइक इज प्रोड्यूस ऑलमोस्ट 43.5 bhp की पावर और 37 Nm का टॉर्क आता है ड्यूक 390 में। एंड अगर इसकी बात की जाए तो इस बाइक के अंदर 310cc का इंजन मिलता है और पावर इसके अंदर मिलती है 33 bhp की, और टॉर्क इसके अंदर थोड़ा कम है, लगभग 28 Nm के आसपास का है। तो पावर के मामले में तो देखो 390 से ऑब्वियसली ज़्यादा, बट कहीं ना कहीं नेकेड होने की वजह से उसको ना हवा से लड़ना ज़्यादा पड़ता है, विंड ब्लास्ट इसके ऊपर ज़्यादा आता है। बट इसी की बात की जाए तो इस बाइक को हवा से इतना नहीं लड़ना पड़ता, इसके अंदर विंड ब्लास्ट कम आता है, पर फिर भी भाई देखो पावर ज़्यादा होने की वजह से ना ब्रुटैलिटी उस बाइक के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है आपको। अगर उसका एक्सेलरेशन करोगे तो वो आपको ना एक अलग पंच देगी, इसका एक्सेलरेशन करोगे तो ये ऑलमोस्ट 5 to 6000 RPM के बाद आपको शूट करती है। तो पावर परफॉर्मेंस की बात करूँगा तो ये 310cc के हिसाब से बेस्ट है, वो अपना 390cc के हिसाब से बेस्ट है। तो पावर के मामले में नो डाउट एनी टाइम एनी डे ये थोड़ी सी हल्की पड़ जाती है उसके सामने, तो वो एक रीज़न है भाई, सीधा सीधा इंजन की वजह इंजन पर जाता है। और बॉडी टू वेट रेशियो इस बाइक का बहुत ज़्यादा अच्छा है, हल्की है, इंजन बड़ा है, पावरफुल। इस बाइक के बॉडी टू वेट रेशियो की बात करता हूं तो इंजन छोटा है, पावर उतनी नहीं है, मुझे लगता है इस इंजन से थोड़ी और पावर निकल जाती। और ओवरऑल अगर बाइक के वजन की बात करी जाए तो उसमें भी ये थोड़ी सी हैवी है, उस वजह से इसकी भाई देखो यही एक इसका दोनों का प्लस माइनस बता देता हूं। ये हल्की होने की वजह से लोग कहते हैं थोड़ा स्टेबिलिटी लैग करते, बट फैक्ट बात बता रहा हूँ इतना स्टेबिलिटी कोई खास लैग नहीं करती है। हाँ अगर बात करी जाए हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी की, या फिर आप कह सकते हो कॉन्फिडेंस की, नो डाउट इसके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, एरोडायनामिकली स्ट्रॉन्ग है, वेट ज़्यादा है, रोड चिपक के चलती हैं। खैर रोड चिपक के तो दोनों ही बाइकें चलते हैं, वो चलती नहीं है, बट वो चीज़ इसके पास एक मेन USP है कि ये अच्छे से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। आज ही सुबह अनप्लान संडे राइड पर गए थे, देखो लास्ट टाइम तक जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा इसकी टॉप स्पीड 148 के करीब आ रही थी, 148 या 40 थी। अरे देखो 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 भग लिया, पता नहीं कहाँ भगाई आपने आज सुबह से वो चला रहा हूँ मैं। अरुण भाई मेरे इंस्टाग्राम पे गए थे, आप लोग जाके स्टोरी चेकआउट करो, विक्की भाई की अरुण भाई चला रहा हूँ सुबह से, V4 ये कहाँ भगाई थी 158 मतलब और कितनी देर में गई थी, चली गई थी, थोड़ा टाइम तो लेती है। नहीं वैसे मतलब बढ़िया शूट करा था, कहीं पावर लैग वैग कुछ ऐसा थोड़ा लगता है स्टार्टिंग में, ठीक है। नहीं नहीं एंड में छठे गियर पे, एंड पे कुछ नहीं है, एंड पे कुछ नहीं है। देखो इसने आज ही भगाई है 158। तो चाबी ऑन कर देते हैं, इस बाइक में ये भी फीचर है, देखो अगर इसके आप इंडिकेटर ऑन छोड़ दोगे ना और चाबी बंद कर दोगे जलते ही रहते हैं ये, ऑन कर देते हैं, अच्छी नज़र आ रही हैं दोनों बाइक्स। और
तो पावर परफॉर्मेंस की, बॉडी टू वेट रेशियो की बात हो गई। फीचर्स की एक बार अगर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ दोनों बाइकों को, फीचर्स के मामले में अगर हम कंपेयर करते हैं तो दोनों बाइकों में फीचर्स की कोई कमी नहीं है, दुनिया भर के फीचर भरे पड़े हैं। सबसे पहले अगर आप लोग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखोगे, TFT स्क्रीन देखोगे, इसके अंदर भी कलर्ड मिलती है एंड ड्यूक 390 में भी कलर्ड मिलती है। बट इसकी जो TFT स्क्रीन है ये आपको वर्टिकल देखने के लिए मिलेगी, उसमें हॉरिजॉन्टल मिलती है। इसमें क्या फीचर ऑफर करता है TVS, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। इस बाइक के अंदर आप लोगों को चार डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं, स्पोर्ट्स, ट्रैक, और ये आपका हो गया अर्बन, और ये हो गया आपका रेन। पर्सनली हमें इसके सारे मोड बेकार लगते हैं, अपना फेवरेट सिर्फ एक है, या तो स्पोर्ट्स में चलेगी या फिर ये ट्रैक में चलेगी, क्योंकि अपने को भाई जब जितनी पावर दे रखी है थोड़ा ना मतलब कम ज़्यादा करके चलाने में स्वाद नहीं बनता है। तो ये एक इसके अंदर फीचर मिलता है। दूसरा इसके अंदर भाई आपको इंजन का कूलेंट टेम्परेचर, या फिर आप लोग कह सकते हो इंजन का टेम्परेचर बताती है ये। ट्रिप की डिटेल्स यहाँ से डाल सकते हो, तीन ट्रिप आते हैं। व्हीकल के अंदर सर्विस रिमाइंडर मिल जाता है, परफॉर्मेंस के अंदर माइलेज बताती है, स्पीड रिकॉर्ड कर सकते हो, टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो मैं कितना फास्ट इसकी स्क्रीन को चला रहा हूँ वो चल रही है। कनेक्टिविटी में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, डिस्प्ले में ब्राइटनेस, क्लॉक, डे एंड नाइट मोड। इसकी विजिट के मतलब कस्टम विजिट के अंदर आप लोग जाके इसकी नई चीज़ें चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको एक बार मोड चेंज करके बताता हूँ, यहाँ पे आपको क्या लगाना है, टॉप स्पीड लगानी है, करंट फ्यूल इकोनॉमी लगानी है, वो सारी चीज़ें आप लोग चेंज कर सकते हो। एंड माइलेज एक चीज़ मैं दिखाता हूँ भाई, माइलेज के मामले में बाइक अच्छी है। किस में आएगा माइलेज, प्रेफरेंसेज माई व्हीकल में सर्विस, एक मिनट, एक तो खो जाती है ना चीज़ें अंदर है। एक डीडी 31 की एवरेज दे रही है तो पागल है क्या ये? अरे 20 दे भाई 31 की एवरेज दे रही है भाई। सुबह ही फुल करवाई थी और संडे राइड पे हम लोग गए थे, मोटा मोटा हमारे यहाँ से 70-80 किलोमीटर तो है पंचगांव डीडी। 150 किलोमीटर भी अगर चल गया और एक डंडा गिरा है तो उसका मतलब एवरेज बहुत अच्छी है। और इसके अंदर ना एनिमेशन अच्छी है, जो बात है देखो ये जो एनिमेशन है ना ये बहुत सुंदर है बाइक की, और हमारी फेवरेट ये वाली है, रात में हम इस पर चलाते हैं बहुत सुंदर नज़र आती है। तो ये बात रही इसके अंदर। एंड उसके अलावा इसमें क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं, स्लीपर क्लच इसके अंदर दे रखा है, डेडिकेटेड हजार्ड का बटन है, यहाँ से आपकी लाइट्स वगैरह हैं, LED लाइट है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प डेडिकेटेड है। कि इसके अंदर जो स्विच है इसकी एक खूबी है मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो मतलब ये बटन है ना इसको एक बार ऐसे दबा के छोड़ दो अपने आप लंबा सा सेल्फ लेता है, और इंटीग्रेटेड है इसी के अंदर, ठीक है। अब अगर ड्यूक की बात करते हैं तो ड्यूक के अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सारे बटन देखने के लिए मिल जाते हैं, फुल पावर कोई इशू नहीं है। इसके इन बटन्स के अंदर लाइट नहीं जलती, जो मुझे एक डाउनसाइड लगता है, इनमें जलनी चाहिए, जिसको इल्यूमिनेटेड लाइट बोला जाता है। बट अगर वहीं पे ड्यूक 390 की बात करो तो इसके अंदर आपको इल्यूमिनेटेड लाइट मिलती है, इजीली नज़र आ रही होगी। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं आपको, ट्रिप डिटेल्स पता चल जाती है, एवरेज पता चल जाता है, डेट टाइम, बाकी उसके अलावा ब्लूटूथ इसके अंदर भी मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो। पर इस बाइक के अंदर नेविगेशन चलाने के लिए अलग से कोई पैसे नहीं देने पड़ते, कोई पे नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली फ्री में ऐप डाउनलोड करो। इसमें अगर नेविगेशन चलानी है तो 700-800 रुपए की इनकी ऐप डाउनलोड करो, उसका एक अलग ही चार्जर्जी है। तो वो एक चीज़ मैं बोलूँगा इस बाइक के साथ अच्छी है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 11 लीटर ऑफर करती है, लगभग 13 लीटर ऑफर करती है। एंड अगर रेंज की बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों की सिमिलर है, इट मीन्स इस बाइक की जो एवरेज है वो अच्छी है। इसकी एवरेज 31 नज़र आ रही है, 27.4 की दिखा रही है, तो 27.4 तो ऑब्वियसली नहीं दे रही होगी, कम एवरेज दे रही है। सुबह ही टंकी फुल करवाई थी दोनों को, सेम आप लोग कह सकते हो रूट पे चल के आई है। इसमें आधी टंकी पेट्रोल बचा, उसमें सिर्फ एक डंडा गिरा है, तो एवरेज के मामले में वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूल इफिशियंट है, पॉकेट फ्रेंडली है ये वाली बाइक थोड़ी सी, अकॉर्डिंग टू KDM ड्यूक 390। हाँ, अगर फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर LED लाइट्स देखने के लिए मिलती है, DRL वगैरह आ जाते हैं, इसके अंदर भी छोटे छोटे से टिंगू से DRL है, पर बड़े ब्राइट है इसके DRL, जो बात है। लाइट्स की बात की जाए तो एनी टाइम इसकी लाइट्स मच बेटर हैं इसके कंपैरिजन में, इसकी लाइट्स बेकार हैं। इसके कंपैरिजन में बोल रहा हूँ, अगर लाइट अच्छी होती तो मुझे टिंगू सी मिनी ड्राइव नहीं लगवानी पड़ती। बाकी अगर फीचर्स की बात करिए तो इसके अंदर एक एडिशनल फीचर क्या मिलता है कि इसमें आपको क्विक शिफ्टर मिल जाता है, जिसमें अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट दोनों कर सकते हो बिना क्लच दबाए। इसके अंदर क्विक शिफ्टर नहीं मिलता, बट इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को चार मोड्स मिल जाते हैं, तो इसके अंदर किसी भी तरीके का मोड नहीं मिलता है। बट मैं बोलूँगा इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी, इसके अंदर से मोड वोड हटा दें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्विक शिफ्टर डाल दें। ओनर साहब, व्हाट इज़ योर कॉल? जितनी पावर है सारी डाल दो एक ही मोड में। हाँ, एक ही रहने दो मतलब, और क्विक शिफ्टर लगा दो सही रहेगा, बढ़िया रहेगा ना। ये मोड वोड के बजाय अगर क्विक शिफ्टर दे दें बढ़िया। बाकी डेडिकेटेड हजार्ड का बटन इसमें मिलता है, इसमें कोई हजार्ड नहीं मिलता, अलग से पैसे खर्च करो, हजार्ड के लिए भी आपको अलग से लगवाना पड़ेगा। इसमें सिमटेक का लगा हुआ है इसलिए बटन आपको नजर नहीं आ रहा है, तो वो एक चीज़ है। इसके अंदर आपको हजार्ड इंटीग्रेटेड कंपनी ऑफर कर देती है। बाकी अगर हीटिंग मैनेजमेंट की बात करी जाए, जैसे कि 390 cc होने के अकॉर्डिंग ये मतलब हीटिंग की बात करूँगा तो वो ज़्यादा गर्म होती है अपाचे, क्या बोलना है? होती है अपाचे ज़्यादा गर्म होने का एक बड़ा रीज़न है भाई, उसके पास फेयरिंग भी है, वैसे ही वो थोड़ा सा गर्म होती है, क्योंकि भाई हीट वीट फेयरिंग वाली बाइकों में ना थोड़ी ज़्यादा ही आती है। ये नेकेड होने की वजह से इसका जो हीटिंग मैनेजमेंट है थोड़ा सा ठीक है, और बैंड पाइप नीचे तक है ना जब से थोड़ी सी सुधर गई है ये। और इसका जो है मतलब आप कह सकते हो रिवर्स इंक्लाइन इंजन होने की वजह से हेड पीछे है इस बाइक में। यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा जो फ्रंट का हेड रहता है ये आगे होता है हर बाइक में, बट इस बाइक में पीछे दिया हुआ है, तो उस वजह से यहाँ पे से हीटिंग आती है, थोड़ा पैरों पर फील होती है।
और हीटिंग का जो लेवल है इसका 105 डिग्री 100 डिग्री 90 डिग्री इसके आसपास रहता है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो हाफ के आसपास रहता है, तो वो एक चीज़ मैं बोलूँगा कि भाई अपाचे थोड़ा सा गर्म तो होती है। टेल सेक्शन के लुक की बात करी जाए तो ड्यूक का ऐसा जितना कोई खास नहीं है, मिट्टी जम रही है, जमाने वाले यहाँ पे खड़े हुए हैं। अरे चुप कर, आधी पानी में डुबा के लाया है तू, तुम्हारी थिल्ली डूब गई थी, मेरी क्या गलती है। देखो देखो देखो, तो मतलब गंदी को तो चलो खैर थोड़ा माइंड मत करना। तो पीछे का टेल सेक्शन की अगर बात करूँ तो हमारी सस्ती पानी के लिए अच्छी लगती है देखने में, इसके पीछे का टेल सेक्शन का डिज़ाइन अच्छा है। ओवरऑल मैं सच फैक्ट बात बता रहा हूँ भाई आप लोगों को, डिज़ाइन के मामले में बाइक ये नो डाउट बहुत अच्छी है, क्योंकि एक बाइक खरीदने के बाद एक अटेंशन भी तो चाहिए बंदे को, अटेंशन एक नंबर की पकड़ती है भाई, एक नंबर की। जहाँ से निकालते हैं डेक्स भाई लोग देखते हैं इसको, देखते हैं, और उसे एम टी को कोई नहीं देखता था। एम टी इन द सेंस गाइस होंडा सी बी 300 आर है। हाँ, तो मतलब अगर इसकी रोड प्रेजेंस की बात करी जाए ना, वो इस बाइक की बहुत अच्छी है। ब्रेकिंग की अगर बात करी जाए तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई, ब्रेकिंग 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 एनी टाइम एनी डे 390 की ब्रेकिंग इससे मच बेटर है। एकदम आप कैसी भी चलाओ, कहीं पे भी रोको, एकदम रुक जाती है। और मे बी डिस्क ब्रेक की जो प्लेट है उसका साइज सिमिलर ही है, आई थिंक सिमिलर है, एक बार क्रॉस चेक करके गूगल से लिख दूंगा स्क्रीन के ऊपर, बट आई थिंक सिमिलर है। तो ब्रेकिंग जो है दोनों बाइकों में से इसकी मच बेटर है, इसकी बेकार नहीं बोलूंगा, अच्छी है ब्रेकिंग इसकी, बढ़िया है, बट आई थिंक थोड़ा और इंप्रूव हो जाए तो वाव हो जाएगी, है कि नहीं डेक्स भाई? ABS में सख्त इंप्रूवमेंट चाहिए, यहाँ पे कितना ही लीवर दबा लो ABS किक इन नहीं करता, बट उधर ABS किक इन कर जाता है, तो वो चीज़ के ऊपर TVS को काम करने की ज़रूरत है थोड़ा सा। बाकी एक चीज़ इस बाइक की बहुत अच्छी है अपाचे की, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया, टकराती नहीं है भाई नीचे से, वहीं अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो जहां था नीचे टिकने को एकदम तैयार रहती है हर वक्त। एक चीज़ दोनों बाइकों की बहुत अच्छी है वो है सस्पेंशन, कहीं भी गड्ढों में से निकाल दो दोनों बाइक ऐसे निकलते हैं भाई यूं ग्लाइड करते हुए। उसके पीछे सस्पेंशन के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो एक चीज़ ऐसी है भाई आपको जल्दी से कोई बंदा बताएगा नहीं, क्योंकि इन बाइकों के अंदर जो टायर्स आते हैं ना, ये आप कह सकते हो कि लो प्रोफाइल टायर है या फिर यू शेप टायर है, बट मैंने अभी इसके अंदर डलवा रखा है वी शेप अपोलो अल्फा H1। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये टायर उसकी बराबरी कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकता। इस टायर के अलावा जो इसके अंदर मैटजेलर लग गया था उसकी भी ये बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को, टायर के बारे में एक ऐसी गुप्त बात बताऊंगा, सीक्रेट्स शेयर करूंगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब मार सकते हो, है ना। तो उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भाई टायर्स आपका ना, जब बाइक गड्ढे में जाएगी बम्प में से निकलते इस टायर के साथ निकालना, इस टायर के साथ निकालना, धरती आसमान का फ़र्क फील करोगे अगर आप एक अच्छे राइडर हो, अगर आप बाइक से कनेक्टेड हो, आपको चला के बाइक समझ में आती है तो। बाकी अगर आप एक नॉर्मल राइडर हो तो भाई वो एक अलग बात है। अब काफ़ी लोग बोल रहे होंगे भाई बाइक की चाबी ऑन कर रखे बैटरी डिस्चार्ज तो नहीं होगी, इतनी जल्दी नहीं होती भाई, थोड़ी सी ऑन करिए इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ी अच्छी सी लगती है लाइट वाइट ऑन करके। तो ये बात रही दोनों बाइकों के कंपैरिजन की। हाँ, शॉर्ट राइडर्स के लिए वो बाइक बहुत अच्छी है, उसकी जो सीट हाइट है काफ़ी ज़्यादा लो है, ईजिली कोई भी चला सकता है। डीडी कितना पैरों का फ़र्क आता है तेरा दोनों बाइकों पर? कितना आ जाता है उस पर? मेरे दोनों तरफ हो जाते हैं, इस पे नहीं होते, इस पे थोड़ा सा। और डेक्स भाई ने आज तक दुनिया भर की चलाई है ड्यूक, टांग वांग से फ़र्क नहीं पड़ता इन्हें कह रहा है मुझे बस बाइक चाहिए। तो हाइट के मामले में भी अगर देखा जाए तो भाई वो नीची है, और ना इसका जो टैंक है ये काफ़ी ब्रॉड है, और इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है ये देखो, ठोक बजा के बढ़िया प्लास्टिक क्वालिटी दे रखी है TVS ने, उसमें कोई दिक्कत नहीं। खैर इसके अंदर तो लोहा है, थोड़ी बहुत ही प्लास्टिक है, इसमें ऐसा दिक्कत नहीं है, बट हाँ इसके अंदर यार एक वाइब्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है यार, वाइब्रेशन के ऊपर TVS को भाई सख्त काम करने की ज़रूरत है। इतना पैसा खर्च करने के बाद 3.5 लाख रुपये के आसपास 3,20,25,000 रुपये बंदर डालो फिर वाइब्रेशन, नो ब्रो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं तो वाइब्रेशन में बहुत सुधार है यार, मतलब KTM जिस हिसाब से रफ हुआ करती थी आज की डेट में बहुत सुधर गई है। मे भी आने वाले टाइम में TVS भी सुधर जाए, तो जब हम कंप्लेन करेंगे ऐसे इस तरीके से तभी जाके कुछ काम बनेगा, तो वो चीज़ मेरे को लगती है इसके साथ भी आने वाले टाइम में हो जाएगी। बाकी गियर बॉक्स की अगर बात करूँ तो गियर बॉक्स में भी इस बाइक के सख्त इंप्रूवमेंट की जरूरत है, काफ़ी रफ है इसके गियर, जो मतलब अपशिफ्ट डाउन शिफ्ट है वो इतने स्मूथ नहीं है। बाकी उधर बात करूँ तो उधर उसकी जो गियरिंग है बहुत स्मूथ है, बहुत बढ़िया है। चेन सेट दोनों ही बाइकों का, मतलब आप कह सकते हो चेन सेट या फिर चेन लूज का, तो इसकी भी भाई बड़ी चेन है तो लूज होती है, टाइट करानी पड़ती है, और उसकी भी करानी ही पड़ती है, वो तो कॉमन सी चीज़ है। बाकी फ़ैन की बात करी जाए तो अगर ये गर्म हो जाती है तो इसका फ़ैन चलता रहता है, चाहे चाबी निकाल के ले जाओ वो अपना ठंडी वंडी करती रहती है, और फ़ैन इसका भी चलता है नॉर्मली, पर इसका चाबी बंद करने पर नहीं चलता, उसके चाबी बंद करके लॉक करके खड़ी करके चले जाओ, जब उसे लगेगा कि अभी ठंडे हो गए अपने आप बंद कर देती है, वो एक चीज़ है उसके साथ। और पीछे की विजिबिलिटी की बात करें तो दोनों बाइकों के जो मिरर्स आते हैं ना स्टॉक मिरर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो अच्छी पीछे की विजिबिलिटी मिल जाएगी आपको, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक चीज़ की बात कर लेते हैं, अगर आपको अपनी बाइक जैसे पार्किंग में लगानी है तो जैसे पीछे ग्रैब हैंडल्स होते हैं ना, ये 390 के बहुत अच्छे हैं, आपके पास ये सॉलिड ग्रैब हैंडल्स हैं, आपको आगे पीछे करने में बहुत हेल्प होगी इनसे। बट इसकी बात की जाए तो एक तो वैसी फेवरेट बाइक है, और ग्रैब हैंडल्स बड़ी बेचीदा सी जगह पर दे रखा है, ये यूज़ में आता है ये है थोड़ी, मतलब जगह ठीक है या है बेचीदा सी? नहीं बेचीदा नहीं है, सही दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया हुआ है।
जैसे कि अब मैं पर इधर की साइड से अगर करनी हो तो मेरी तरफ से उस साइड से नहीं होगी मेरे, क्योंकि यूजुअली जैसे तूने अभी पकड़ी है ऐसे हर कोई नहीं पकड़ेगा ना पल्ली साइड से, क्योंकि उधर से इतना कॉन्फिडेंस नहीं बनता, इधर से बनता है मेन। पर ठीक है, यूजफुल है, बहुत यूजफुल है। अभी इसके ग्रैब हैंडल से मुझे एक चीज़ और याद आई, तो हमारे भाई साहब का कहना है यूजफुल है, तो गाइस होगा बाकी आप लोग बताना। इसका जो स्टैंड है उसकी क्वालिटी बहुत थर्ड क्लास है KTM की। इसका स्टैंड बहुत प्रीमियम, बड़ा ही सॉलिड ऐसा लगता है, बिल्कुल ही लोहे का बना के दे रखा है, बढ़िया सा